जी, आज की वीडियो में बात करेंगे अबाउट मोटोरोला मोटो G52 के बारे में, इसकी प्राइस स्पेसिफिकेशन और ये वैल्यू ऑफ मनी है कि नहीं है, ठीक है, एंड इसकी कैमरा, बैटरी, डिस्प्ले, प्रोसेसर, रैम, हर एक चीज़ बताऊंगा इस वीडियो में। आपने वीडियो कंप्लीट वॉच करनी ताकि आपको कंप्लीट वीडियो की समझ आ सके, ठीक है, और इसकी प्राइस पाकिस्तान इंडिया में दोनों में बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि ये मालूमात दूसरों तक पहुँच सके, ठीक है। या फ़ोन सबसे पहले लुक्स देख लेते हैं फ़ोन की, ये देखें ज़रा लुक्स फ़ोन की, ये देख सकते हैं लुक्स फ़ोन की, ये देख सकते हैं इसमें ट्रिपल कैमराज दिए गए, काफ़ी गुड लुकिंग मोबाइल है ये, ठीक है, ये देख सकते हैं आप इसका लुक। अभी हम यहाँ पर और लुक्स का देख लेते हैं, देन स्पेसिफिकेशन की तरफ चलते हैं जी। बता चलते चलते मैं आपको प्राइस बताता चलूँ इसकी पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में जैसा कि जानते हैं आप, एक्सपेक्टेड प्राइस है इसकी 42,000 रुपीज़, 42,000 रुपये पाकिस्तानी प्राइस है, 42,000 रुपीज़। एंड इंडिया में जैसा कि जानते हैं ऑफिशियली तौर पर ये अवेलेबल है, तो इंडिया में इसकी प्राइस है 15,000 रुपये, ठीक है, स्टार्टिंग प्राइस की 15,000 रुपये इंडिया में, 15,000 रुपीज़ इन इंडिया, ठीक है। अभी इसके लुक्स पर एक दफ़ा दोबारा ओवरव्यू डाल लेते हैं। ये देखें, इसमें 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर दिया गया यहाँ पर नज़र आ रहा है, काफ़ी गुड लुकिंग मोबाइल है ये, और आप ये देख सकते हैं यहाँ पर। अभी नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, ये देखें काफ़ी गुड लुकिंग मोबाइल है ये। अब हम चलते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन की तरफ, ठीक है, ये हम आ गए हैं स्पेसिफिकेशन की तरफ जी। ये देखें, ये देखें 2000 मई, देख सकते हैं यहाँ पर 2022 मई में ये अवेलेबल होगा, और यहाँ पर इसका वेट है 169 ग्राम, 8 mm थिक है, एंड्रॉयड 12 के साथ आता है, और 128 GB इंटरनल स्टोरेज है, 6.6 इंच का इसमें डिस्प्ले दिया गया, 1080x2400 का, 50 मेगापिक्सल का कैमरा है सिर्फ इसमें, 1080p डिस्प्ले दिया गया, ठीक है, और 4 GB रैम है सिर्फ, देख सकते हैं सिर्फ 4 GB रैम है, और स्नैपड्रैगन का 680 प्रोसेसर लगाया गया इसमें, देख सकते हैं 5000 mAh की बैटरी है इसमें, देख सकते हैं आप, और 90Hz का डिस्प्ले दिया गया जो कि बेहतर है इस प्राइस के हिसाब से। और दूसरा मैं यहाँ पर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करूँ तो 86.9% है, और 5 इंच पिक्सल डेंसिटी है इसकी 402, और देखें 6 नैनोमीटर का प्रोसेसर है, 4G प्रोसेसर है, 5G नहीं है, ठीक है, 4 GB रैम, 128 GB रैम, 4 GB रैम, 128 GB स्टोरेज के साथ आता है, ठीक है, 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मोनो सेंसर लगा हुआ है, सिर्फ 1080p वीडियो बनाएगा अप टू 30 FPS, फ्रंट कैमरा है इसका 16 मेगापिक्सल का, देख सकते हैं आप, f2.5 अपर्चर के साथ, और ये वीडियो बनाएगा 1080p by 30 FPS, ये देख सकते हैं स्टीरियो स्पीकर मौजूद है, 3.5 mm ऑडियो जैक मौजूद है, 2022 का ही फ़ोन है फिर भी 3.5 mm ऑडियो जैक मौजूद है इसमें, देख सकते हैं आप। और यहाँ पर बात कर लीजिए ब्लूटूथ की, तो 5.0 लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से 5.0 नहीं होगा, 5.2 होगा, अभी यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफिकेशन सही तरह अपडेट नहीं की, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लग रहा है, आगे पता नहीं ये 5.0 निकला है ब्लूटूथ। देखें USB Type-C 2.0 यहाँ पर हमें मिल रहा है, 5000 mAh की नॉन रिमूवेबल बैटरी, 30 वाट की फास्ट चार्जिंग, और यहाँ पर किसी किस्म की रिवर्स चार्जिंग, वायरलेस चार्जिंग कुछ भी मौजूद नहीं है, और आप ये देख सकते हैं सिर्फ 250 यूरोस की प्राइस लिखी गई है यहाँ पर, जो इंटरनेशनल प्राइस है इसकी, पाकिस्तान में इसकी प्राइस है 42,000 एक्सपेक्टेड प्राइस, इंडिया में इसकी ऑफिशियल प्राइस है 15,000 रुपये, 15,000 रुपीज़ इंडियन रुपीज़, ठीक है, और बात की जाए वैल्यू ऑफ मनी है कि नहीं है, ठीक है, आई डोंट थिंक सो कि ये 110% वैल्यू ऑफ मनी है। मेरे ख्याल से मैंने जितने भी रिव्यूज़ के यूट्यूब पर देखे हैं वो सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, कह रहे हैं कि बहुत अच्छा डिस्प्ले है, बहुत अच्छा फ़ोन है ये। मेरे ख्याल से जितना इसको बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है ये उतने लेवल का मोबाइल नहीं है, ठीक है। अगर बात की जाए इंडिया में प्राइस की इसकी, तो इंडिया में क्या प्राइस है इसकी, 15,000 रुपये, ठीक है। अभी मैंने दूसरे शाओमी के मोबाइल का एक रिव्यू किया था, उसकी प्राइस इंडिया में थी लगभग 18,000 रुपये, उसमें रैम लगी हुई थी 8 GB, और उसका डिस्प्ले भी इससे ज़्यादा अच्छा था, वो 4K वीडियो बना रहा था, और सिर्फ बैटरी थोड़ी थी 5000 mAh की बैटरी थी, ये इसमें 5000 की है तो उसमें 4500 mAh की बैटरी थी, ठीक है। जैसा कि मैं यहाँ पर आपको दिखा सकूँ ज़रा, ये ज़रा देखें, ये है रेडमी, मेरे ख्याल से यही वो फ़ोन था जो इसका मैं रिव्यू किया था पिछले दिनों, मुझे याद नहीं आ रहा, बट मेरे ख्याल से ये वो फ़ोन आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ये इससे ज़्यादा बेहतर फ़ोन है ये वाला,
शाउमी रेडमी नोट 11 देख सकते हैं आप, ये मेरे ख्याल से इससे बेहतर फ़ोन है। मेरे ख्याल से इंडियन प्राइस के हिसाब से बात की जाए तो मुझे इतना ख़ास वैल्यू ऑफ मनी लगा नहीं, क्योंकि इंडियन मार्केट्स का थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूँ, ठीक है, कि किस किस प्राइस में कौन सी स्पेसिफिकेशन आती है। बकाया मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि ये इंडियन प्राइस के हिसाब से वैल्यू ऑफ मनी है कि नहीं है, ठीक है। अब बात कर लीजिए पाकिस्तान में, पाकिस्तान में मेरे ख्याल से अगर हमने मोटोरोला लेना है तो मोटोरोला की बजाय हम कोई और मोबाइल ले सकते हैं। मेरे ख्याल से मोटोरोला ऑफिशियली तौर पर अवेलेबल भी नहीं होता पाकिस्तान में ज़्यादातर मॉडल्स, बाज़ मॉडल्स अवेलेबल होते हैं, हो सकता है उनमें भी हो जिनमें जिसमें ये रिलीज़ हुआ, हो सकता है ये रिलीज़ हो जाए पाकिस्तान में, हो सकता है एंड्रॉयड रिलीज़ ना हो, लेट्स सी। ये रिलीज़ होता है पाकिस्तान में, नहीं होता, बट अगर ये रिलीज़ हो भी जाता है 40,000 की रेंज में, आई थिंक रैम इसमें कम है, कैमरा तो चलें फिर भी गुजारा चल जाता है, रैम इसमें बहुत कम है, प्रोसेसर भी ठीक ठाक है, रैम कम है इसमें। कैमरा में अब बहुत से लोग अब आदत पड़ चुकी है लोगों को 4K शूट करने की, यहाँ तक अब देख लें फ्लैगशिप मोबाइल्स में 8K वीडियो आ रही है, पॉसिबल है इस दफ़ा आईफोन भी 8K वीडियो डाले अपने फ़ोन्स में, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं अनाउंस किया गया है 12 अप्रैल 2022 को, ये देख सकते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने बिल्ड क्वालिटी कुछ नहीं लिखा, यहाँ पर लिखा वाटर रेजिस्टेंट डिज़ाइन, ठीक है जी। और मेरे ख्याल से इस फ़ोन में इतना कुछ खास नहीं है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। देखें स्पेसिफिकेशन मैं यहाँ पर शुरू करी और यहाँ पर देखें स्पेसिफिकेशन ख़त्म हो गई, किसी किस्म की रिवर्स चार्जिंग वायरलेस चार्जिंग कुछ भी मौजूद नहीं है, 120 हर्ट्ज़ का इसमें रिफ्रेश रेट भी नहीं है, जबकि ये शाउमी का ये मोबाइल मेरे ख्याल से इसमें 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मौजूद है। मैं आपको ज़रा चेक करके बताता हूँ, ठीक है। एक जी तो ये आ गया हमारे पास फ़ोन, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें देखें 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले मौजूद है रिफ्रेश रेट के साथ, और देखें इसमें 6 और 8 GB की रैम लगाई गई है। देखें पिलियो सॉरी हेलियो इसमें जी 96 लगाया गया है यहाँ पर, ठीक है, हेलियो G96 लगाया गया है यहाँ पर। प्रोसेसर पर भी नज़र डाल लेते हैं इसके, ये 12 नैनोमीटर का प्रोसेसर है। अब प्रोसेसर में वो ज़्यादा अच्छा है, ये थोड़ा कम है, बट मेरे ख्याल से हमने डिस्प्ले ज़्यादा यूज़ करना होता है, मेरे ख्याल से ये ज़्यादा वैल्यू ऑफ मनी है। देखें सुपर एमोलेड 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले मिल रहा है यहाँ पर, जो कि उसमें डिस्प्ले नहीं है, उसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 भी दिया गया है, ठीक है। ये देख सकते हैं ग्लास फ्रंट ग्लास बैक, मेरे ख्याल से ये फ़ोन इतना वैल्यू ऑफ मनी नहीं है, मेरे ख्याल से आपको नहीं ख़रीदना चाहिए, वेस्ट ऑफ मनी होगा मोबाइल अपनी प्राइस के हिसाब से। अगर ये 3-4 हज़ार रुपये कम प्राइस में अवेलेबल होता तो जब बात अलग थी, बट मेरे ख्याल से ये वैल्यू ऑफ मनी बिल्कुल भी नहीं, तो बिल्कुल ना ख़रीदें ऐसे फ़ोन को। अगर ख़रीदते भी हैं तो पहले आप मार्केट का अच्छी तरीके से जायज़ा ले लें कि मार्केट में इससे ज़्यादा बेहतर स्पेसिफिकेशन में फ़ोन अवेलेबल है कोई या नहीं है, ठीक है। अगर कोई अवेलेबल हो देन आप ख़रीद सकते हैं जाकर वो फ़ोन, और अगर कोई अवेलेबल ना हो तो आप देन ये फ़ोन ख़रीद सकते हैं, ठीक है। जैसे कि जानते हैं मोटोरोला एक इंटरनेशनल ब्रांड है, हर कोई जानता है इसको, बट ये बात नहीं है कि शाओमी बहुत कोई छोटा ब्रांड है, कोई बहुत ना किस क्वालिटी के फ़ोन आता है, शाओमी का अलग स्टैंडर्ड है, इनका अलग स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये फ़ोन अगर ख़रीदना चाहें तो ख़रीद सकते हैं, बट मेरे ख्याल से एक दफ़ा लोगों ना एक दफ़ा मार्केट का विजिट ज़रूर करना चाहिए, ताकि पता चल जाए मार्केट में कितनी प्राइस का कौन सा फ़ोन मिल रहा है, ठीक है। मेरे ख्याल से ज़रूर पता करना चाहिए मार्केट में, ठीक है। तो आप जब भी करा करें तो फ़ोन जब भी फ़ोन ख़रीदें तो मार्केट का विजिट ज़रूर करें, ताकि आपको कंप्लीट सही तरह गाइड हो जाएं, तो बाद में आप फैसला करके पछताएं ना कि मैं गलत फ़ोन ख़रीद कर ले आया हूँ, ठीक है। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, बट आपकी बेहतरी के लिए वीडियो बनाई है मैं लंबी। मैंने यहाँ पर अपने चैनल का लिंक दे दिया, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यहाँ पर मेरी आईफोन 14 फ्लिप की वीडियो चल रही है वो भी देख सकते हैं, और यहाँ पर मेरी दो और वीडियोज़ आ रही है ये भी देख सकते हैं, एंड यहाँ पर मैं आई बटन में भी वीडियोज़ दे दी हैं ये देख सकते हैं आप। और किसी और टॉपिक वीडियो चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं, एंड इन दिस वीडियो फ़िलहाल के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।